आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक व्यक्ति को फाइनेंसरों के चक्कर में गंवानी पड़ी अपनी जान। आज सुबह भिवानी के किरोड़ीमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 47 वर्षीय जयदेव शर्मा नामक व्यक्ति ने फाइनेंसरों के दबाव में नीम के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि जयदेव हांसी गेट पर एक पुस्तकों की दुकान चलाता था और अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। किसी कारणवश उसे कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी तो कुछ फाइनेंसरों से उधार लिया था। मृतक के भाई की माने तो लिए गए उधार में ज्यादातर ब्याज वो दे चुका था, फिर भी उन फाइनेंसरों का उधार चुकता नहीं हुआ तो उससे मिलने लगी फाइनेंसरों से धमकियां। हार कर जयदेव ने फाइनेंसरों के डर से अपनी जान दे दी। आज सुबह उसने नीम के पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर कब तक यूं ही मजबूर लोगों को इन दबंग फाइनेंसरों के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ेगी, आखिर कब तक? मनोज शर्मा सर, क्या सूचना मिली थी आपको? मेरे को सूचना मिली कि मेरा भाई जयदेव शर्मा, जो कि हांसी गेट पे किताबों की दुकान है, उसकी जिसकी उम्र लगभग 47 साल है, उसका कुछ फाइनलों से लेन देन था, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था, उससे ज़्यादा दुगना ब्याज दे चुके, उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस चक्कर में उसने सुबह आके सुसाइड कर लिया। क्या कार्रवाई मांगा? मैं चाहता हूं कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उचित से उचित कार्रवाई की जाए। सर, कितनी उम्र होगी मृतक की? क्या नाम था? जयदेव शर्मा था। बता तो दिया। आपको सूचना कैसे मिली इसकी? मेरे को सूचना, मैं गुड़गावा रहता हूं, मेरे पड़ोसी ने फ़ोन करके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे। तो क्या कोई सुसाइड नोट भी मिला? हाँ, उनकी जेब से सुसाइड नोट मिला है, जो कि पुलिस वालों के पास है। उसके आधार पर कार्रवाई, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन प्राप्त होया कि किसक किरोड़ीमल स्कूल में एक फांसी खा रहा है। उस संबंध में यह मौके पर आए हैं। मौके पर ये एक जयदेव शर्मा सनो प्रतिराम शर्मा आरो तम्बाकू वाली गली लोड बाजार भिवानी, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, ये फांसी लटक रहा है। वारसान आ रहे हैं, इन जैसी कार्रवाई होगी की जाए। प्राथमिक जांच में क्या पाया? प्राथमिक इसके साइड नोट मिला है, जो 4-5 आदमियों के नाम सामने आए। जी सर, साइड नोट मिला है, वारसान आए हुए हैं, मुकदमा दर्ज करके जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।